जय दोस्तों, आप सभी का मन पसंदी चैनल स्मार्ट क्लास विद रवि में स्वागत है। देखिए आज हम सभी को आप पढ़ाने वाले क्या जी, भाग करने की ट्रिक। ऐसा ट्रिक आपको पढ़ा नहीं याद रहेगा तभी आप इजिली बना लेंगे। कितनों भी बड़ा संख्या रहेगा उससे भाग दिया जाएगा तो आप इजिली उसको बनाएंगे बहुत कम समय में। और इतना इजिली ट्रिक, इतना आसान ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर आपके जैसे कि इतना आपके दे दिया भाग करने के लिए, मान लीजिए 502 का दे दिया और इसमें कुछ संख्या दे दिया, इतना बड़ा दे दिया और इसे भाग करना है तो कैसे करेंगे। बहुत इजीली ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि आपका पहाड़ा नहीं याद रहेगा, 33 का पहाड़ा याद नहीं रहेगा, 102 के पहाड़ा नहीं याद रहेगा, 105 के पहाड़ा याद नहीं रहेगा, 65 के पहाड़ा नहीं याद रहेगा, तो कैसे आप बनाएंगे। अरे इतना इजीली आप बनाएंगे, बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है, जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ, लेकिन मेरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए और तुमको भी स्पीक मत किए, तुमको भी मिस करेंगे तो हाथ ट्रिक से हाथ आप धो बैठेंगे। कहेंगे इतना आसान और इतना आसान ट्रिक आप कभी नहीं मिलेगा आपको, और बिना पहाड़ा के आपको तो बनाना नामुमकिन। कहेंगे ये देखिए आपको बहुत इजीली लगेगा। जो मेरे चैनल पर अभी नए और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के दबा दे, जिससे अगले वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपको। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या लिख रहे, यहाँ पर आप तीर देख रहे हैं कि ये संख्या आपको नहीं लेना है। क्या करना है, ये संख्या आपको नहीं लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको तीन रख लेना है। तीन यहाँ पर आपके क्या करना है, मल्टीप्लाई का है, मानी गुणा करना है। आप किससे गुणा करना है वो आपको हम बताते हैं, किससे आपको गुणा करना है। देखिए अब आपको क्या करना है, तीन के पहाड़ा आपको तो याद होता ही होगा, तीन के पहाड़ा आपके याद होगा, तो तीन के पहाड़ा पढ़े, तीन के पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन के पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तीन पाचे पंद्रह। देखिए क्या हो जाएगा, तीन पाचे पंद्रह। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको एक बात बता दे रहे हैं, तीन पांच पंद्रह लेंगे 16 है यहाँ पर, और क्या संख्या है आपके 33 है। यहाँ पर आप करके बताते हैं 33 है, इतना से और इतना से भाग देना है आपको तीन से। देखिए तीन से भाग देना है, ठीक है, देंगे तो 15 हो जाएगा। मान लीजिए एक बचा शेष, एक शेष बचा यहाँ पर आपका क्या बता गया 13, यहाँ पर आपका क्या कब बन गया 15 बन गया। देखिए आपको क्या बोले थे कि यहाँ पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा भी करना है, गुणा भी करना है। तो देखिए 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये आपका नहीं घट पाएगा, ये आपका नहीं घट पाएगा। तो ये तरफ बनाएंगे तो आपका गलती हो जाएगा, ये तरफ बनाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इससे छोट संख्या लेना है कि जिसे 15 से गुणा करेंगे तब भी आपका छोटे ही आना चाहिए, जिसे यहाँ पर 3 से गुणा यहाँ से करेंगे तो आपका छोट होना चाहिए। तो जिसे आपको बता रहे हैं, जैसे कि चतियाई क्या हो जाएगा, चतियाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लेना है, 4 लेना है, 4 लेंगे तो चतियाई 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको घटाई देंगे, देखेंगे कितना बचेगा यहाँ पर आपका, 4 4 बचेगा और यहाँ से आपका क्या उतरेगा, 3 3 उतरेगा, यहाँ से आपका 3 उतर गया। तो आपको अब क्या करना है बता रहे हैं कि अब देखिए अब इनसे और इनसे क्या करना है, आपको गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चतियाई 12। तो क्या करना है आपको, घटा देना है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1 और यहां पर आपका बचेगा 3, यहां पर बचेगा आपका 3। तो अब आपको क्या करना है, देखना है कि गुणा करना है, अब इनसे फिर 3 से देखेंगे कि कितना संख्या आ रहा है, तो नतरी 27, कितना आ रहा है, नतरी 27 आ रहा है। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, घटा देना है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो कितना होगा आपका, यहां से जाएगा 3 हो जाएगा, कितना आपका 11, 11 में 3 घटा 3, 11 में 7 घटाएगा तो बचेगा कितना आपका 4, 4 बचा। तो आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या उतारना है, 3 उतारना है, यहां से आप 3 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 43। तो फिर इनसे और इनसे 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, नतरी 27, क्या हो जाएगा आपका, नतरी 27, नतरी 27 हो जाएगा। तो 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 13, 13 13 में ले घटेगा तो बचेगा 6 और ये हो जाएगा आपका कितना, 1 बचा आपका 16, 16 होगा। तो क्या करना है आपको, 16 16 है तो फिर क्या करना है, 16 और यहां से 5 उतरेगा आपका 16, तो 16 देखेंगे कि कितना बार में जा रहा है आपका, 4 बार में, कितना हो जाएगा आपका 12, नहीं 5 ले भी सकते हैं, 5 लेंगे तो हो जाएगा कितना आपका, 5 लेंगे तो हो जाएगा आपका 15,
15 हो जाएगा, ई हो जाएगा कितना एक, ऊपर से उतरेगा आपका 5, 5 उतरेगा तो करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 495 आपका आंसर आ जाएगा, 495 आपका आंसर होगा, 495 आपका आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये छोड़िए ना आपका पहला क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है आपको समझाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया आपका 102 से इतना संख्या से आपको क्या करना है भाग देना है। मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, नहीं समझ में आया फिर से क्वेश्चन दिया है आपको समझ में आ जाएगा, जब तक आपको समझ में आएगा तब तक आपको बताते रहेंगे। इसको करेंगे सबसे पहले आपको क्या बोले थे, यहाँ से दो जो इकाई संख्या है ये आपको नहीं लेना है, इसको आपको यहाँ पर आपको लिख देना है, दो यहाँ से लिख देना है और मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, किससे आपको बता रहे हैं कि किससे आपको। देखिए अब 10 के तो आपको पहला आता होगा, तो 10 करेंगे तो कितना बार में 4 बार में कितना आता है 40, इसको घटाएंगे देंगे तो कितना बचेगा आपका, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा आपका 6, ये उतरेगा 5, 5 उतरेगा तो हो जाएगा आपका। तो अब क्या करना है इनसे और इनसे आपको क्या करना है गुणा करना है, इनसे और इनसे आपको क्या करना है गुणा करना है, इनसे और इनसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, क्या करना है आपको 8 घटा देना है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा ये होता है 15, तो 7 बचेगा, ये बचेगा आपका कितना 5 हो जाएगा, तो कितना बार में जाएगा आपका 5 बार में 50 होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 50, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 7 बचेगा, ये कट जाएगा, ये 7 बचेगा, फिर यहां से उतरेगा आपका क्या 1, 1 उतरेगा और यहां से आपका, तो आपको क्या करना है फिर इनसे और इनसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर इनसे और इनसे गुणा करना है तो हो जाएगा आपका क्या 10, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 61, फिर कितना बार में जाएगा आपका 6 बार में, 60 होता है आपका 6 बार में, कितना हो जाएगा 60, तो क्या करेंगे कट जाएगा आपका बचेगा 1, तो यहां से उतरेगा आपका क्या चीज 12, देखिए और यहां से आपको समझाते हैं नीचे नहीं लौकेगा, तो आइए यहां पर आपको दिखा देते हैं कि कितना बचा है आपका 12 बचा है, तो क्या करना है देखना है आपको क्या करना है, और यहां से आपको क्या करना है गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, तीन हो जाएगा कट जाएगा आपका कट जाएगा, और क्या बचा आपका 0 बचा है, तो 0 यहां पर आप दे देंगे, तीन हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा 4560 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका इजीली समझ में आ गया होगा, यदि नहीं पढ़ा याद रहेगा तो भी आप बना लेंगे, अरे बहुत इजीली बना लेंगे आप, तो हो के मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए कि नहीं मेरे वीडियो समझ में आया, आप समझ में आया है, तो जो मेरे चैनल में अभी नया सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दे दबाए, अगले वीडियो ले जाए, देखिए आपका हम चाहते हैं कि आपका इतना बेस मजबूत हो जाए ना, इतना बेस मजबूत हो जाए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को इतना भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन कराए आपका, इसलिए आपको शुरू से जोड़ घटा गुणा भागा इसलिए बताते हैं कि आपका बेस पहले मजबूत रहेगा तो आपका सारे चीज रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।